खबर देवगढ़ से, हाथ में गुलेल लक्ष्य पर नजर। ये किसी परिंदे या जानवर का शिकार नहीं हो रहा है, ना ही कोई निशानेबाजी की प्रतियोगिता है। पहाड़ी पर चढ़कर हाथ में गुलेल थामे इन महिलाओं का मकसद है पौधारोपण, वो भी गुलेल से चौकिएगा नहीं। राजसमंद जिले के देवगढ़ में पर्यावरण संरक्षण की इस अनूठी मुहिम पर पिछले 2 वर्षों से करियर महिला मंडल की मुहिम लाए काम कर रही है। पर्यावरण की बचाने के लिए पौधे रोपण तो सभी करते हैं, लेकिन सीड्स बॉल के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची पहाड़ी ही नहीं, देवगढ़ की ये महिलाएं पिछले 2 वर्ष से सैन माता दिवेर कमेरी सीमाता ताड़गढ़ सातपालिया के जंगलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। इस वर्ष भी इन महिलाओं द्वारा अपने अभियान का प्रारंभ मदारिया और लसानी गांव के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची पहाड़ियों से किया गया। 1 माह पहले ही इन महिलाओं द्वारा बीजों को एकत्रित कर महिलाओं द्वारा मिट्टी और गोबर के मिक्स 3000 से करीब सीड्स बॉल बनाए। प्रातः 6 बजे ये महिलाएं देवगढ़ से मदारिया क्षेत्र के लिए वाहन से रवाना हुई। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में मदारिया से पैदल पैदल कच्चे पगडंडी मार्ग, पावटिया से घुमावदार रास्ते और घने जंगल से गुजरते हुए 800 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची शिखर के सैन माता मंदिर पर पहुंचकर इन महिलाओं द्वारा पहाड़ी की चारों तरफ दिशाओं में ऊंचे इलाकों पर जहां पहुंच नहीं था वहां गुलेल के माध्यम से बीजों की गेंद को छोड़ा और अधिकतर जगह पर खड़ा गड्ढा खोदकर सीड्स बॉल को अंदर दबा दिया। सामाजिक कार्यकर्ता भावना पालीवाल, राजसमंद से नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय स्वयंसेवक विजय लक्ष्मी धाभाई, पूजा मेहता, कृतिका पंचोली, अवितिका शर्मा, पवन सेन, नीलम पवार, हेमलता रेगर, भगवती ममता रेगर, शिखा सोनी, कृष्णा कवर सहित कई महिलाओं ने सहयोग दिया। बहुत मुश्किल था पर फिर भी हमने कर दिखाया। पर पहुंचकर हमने चारों दिशाओं में गुलेल से बीज की गेंदों को फेंका और कई जगह पर खड्डे खोदकर भी हमने बीजों का रोपण किया। और पिछले 2 वर्षों से करियर महिला मंडली अभियान चला रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसमें जुड़कर। पर पहली बार पैदल आई हूँ, सफर काफी मुश्किल भरा था लेकिन पर्यावरण की इस अनूठी पहल में मुझे भी जुड़ना था। खड्डे खोदकर बीजों को बोना सीखा मैंने, साथ ही कई ऊंची जगहों पर गुलेल से बीजों को छोड़ा। बीजारोपण की इस अनूठी मुहिम को और भी चलाया जाएगा ताकि हम सभी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। सिमाता और सात पालिया जैसी पर्यावरण संरक्षण के लिए करियर महिला मंडल पिछले कई समय से कार्य कर रहा है और पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए करियर महिला मंडल ने 1 माह से कई तरह के बीज इकट्ठे करके गोबर और मिट्टी से सीड्स बॉल तैयार करके लगभग 3000 से अधिक सीड्स बॉल का छिड़काव किया सेंट माता के।